ये ब्लॉग बाहुबली ले रहे हैं, ये हमारे ब्रो सेना के ऑफिशियल मेंबर है, तो स्पेशल प्रिविलेज भाई, कांग्रेचुलेशन फॉर योर ऑर्डर। ये ब्लॉग में हेलो हेलो बोलो ऑडियंस को। बाहु भाई की अपनी थार यहाँ पे खड़ी हुई है, बाहु भैया तो है ना UK07 राइडर की है, वो भी दे रहे हैं स्पीकर। तो भाई फाइनली अभी अनुराग भाई का मुझसे कॉल आया था और कह रहे कि रिक्की भाई कि यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली है, और कोल्ड ड्रिंक देखो भाई साहब ने क्या है, मैंने शेक नहीं करी, उन्होंने शेक कर तो ला रहे थे, मैंने जैसे खोली सारी पूरी आधी फैल गई, देखो हमारी कोल्ड ड्रिंक इतनी सी फैल गई, तो आधे से ज्यादा हमारी कोल्ड ड्रिंक ऐसे वेस्ट हो गई है, देखो पूरी ये फैली है। और उस समय कैमरा शूट नहीं पकड़ा, कैमरा इधर, मैं कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो। अच्छा पहले मेरे हाथ धोलाओ। हाँ, इसके हाथ मीठे मीठे हो गए, मेरे भी मीठे मीठे हो गए। भाई हमने भुजिया ली है, ये कोल्ड ड्रिंक ली है, और अभी एक्चुअली क्या है कि वहाँ भीड़ सी लगी हुई है, और अभी अंदर जाएंगे, बाबू भैया आएंगे तो जाएंगे मिलेंगे, क्योंकि पहली बार मेरा भी पहली बार मिलना है, तो इसलिए मैं भी अंदर जाऊँ कि ऐसा सही नहीं रहता ना, तो ये है। फिर उनको बताया जाएगा कि भाई हम ब्रो सेना की टीम से, फिर उनको पता चलेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। सही है, पहले हाथ धोते हैं, ये सही रहेगा। तो भाई ये देखो बाबू भाई की अपनी थार यहाँ पर खड़ी हुई है, बाबू भैया तो भाई मैंने जस्ट अभी विकास भाई आप व्लॉग में हेलो हेलो बोलो ऑडियंस को। तो भाई विकास भाई को दिखाने वाले हैं हम कि H2 के पास है, ये रही, ये क्या है क्या कहना चाहोगे, ये रही RR। इसलिए क्या है कि ये सब जो है ना UK07 राइडर की है, वो भी दे रहे हैं स्टीकर, तो वो भी ले गए। और बाबू भाई का सबसे फेवरेट ये जो स्टीकर है, जो ये है, ये रहता है। तो भाई फाइनली अभी अनुराग भाई का मुझे कॉल आया था और कह रहे कि रिक्की भाई अभी आ रहे हैं 5 मिनट में, चलो हम वेट करते हैं। तो भाई फाइनली बाबू भाई इज हियर। बाबू भैया यस रिक्की भाटिया, कैसे कैसे लोकेशन मिल जाती है, बताओ है, बताओ आप बताइए। हाँ कर ले लो, तो चलिए मैं आज पूरा परमिशन ले लो, नंबर है। तो भाई फाइनली बाबू भैया अपने मेंबर से मिलने जा रहे हैं। तो भाई जितने भी लोग थे सब आ रहे हैं, एक एक करके आओ। ओके अगर होता है मैं देखता हूँ अपने जाके हैंड से, अगर होता है देन आई लेट यू नो। ओके हाँ, तो भाई एक्चुअली क्या है कि बाबू ये कह रहे हैं अगर आगरा में कुछ परमिशन मिल जाती है तो इनकी जो आगरा मीटअप हम कर सकते हैं, तो अपने देखते हैं अपने हैंड से पूरी कोशिश करेंगे, आगरा में परमिशन लेंगे। ओके ओके ये ब्लॉग बाबू भैया ले रहे हैं, ये हमारे ब्रो सेना के ऑफिशियल मेंबर है, तो स्पेशल प्रिविलेज भाई, कांग्रेचुलेशन फॉर योर ऑर्डर। अप्रैल फर्स्ट वीक में ऑर्डर आउट होगा, ठीक है, बाकी आगरा का मीटअप कल गए। हाँ सो भाई फाइनली हम बाबू भैया से मिल लिए, अब एक्चुअली क्या है कि आगरा का अगर मीटअप हो सकता है तो अपने हैंड से पूरी कोशिश करते हैं, अगर होगा तो इन्हें बता देंगे और फिर ये बेस्ट होगा।
नंबर भी बताऊँ? कौन सा नंबर है आपका? ये वाला है। या तो आप वैसे नंबर दो फिर उससे बेस्ट होगा, क्योंकि उसको मैसेज डालता हूँ तो बहुत लेट रिप्लाई आता है। ये वाला जो ग्रुप में ऐड किया था मुझे। नहीं, आप नोट कर लो मेरा नंबर। सो भाई फाइनली अभी आपने देखा हमने हर्ष भाई से बात करी है और वो कह रहे हैं कि अगर कल का मीटअप हो सकता तो बेस्ट, नहीं तो एक बार परसों का लेते हैं। अब मैं जाइए जल्दी से जा रहा हूँ, मैंने यहाँ से अपने सारे कॉल वॉल कर दिए, जो भी होगा अगर 1% होता है हमारा, मतलब मैंने अपनी पूरी बैग तो लगा दी, अगर एक बार अरेंज हो गया तो हर्ष भाई ने बोला है कि आप मुझे लेट मतलब मुझे बता देना तो फिर हम परसों या कल का अरेंज कर लेंगे। क्यों? मतलब हम रात तक भूखे एक पीटी निकल। तो भाई आप पूरी अपनी बाइक लगाएगा, आप जल्दी से निकालते अपनी बाइक और चलते हो आगरा, पहुँच के ही पहुँच, देखते हैं क्या क्या करना क्या नहीं। मतलब ये सीधा यहीं से जाऊँ? हाँ, जाना है आगरा के लिए रास्ता। अच्छा, ये लोकेशन देखना, यही सही दिखा रहा है? यही यही रास्ता दिखा रहा है? यही रास्ता है। चलो चलो सही है भाई, थैंक यू, है ना? ओके। सो भाई हमने एक बार भाई से और कंफर्म कर लिया कि कौन से रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि गूगल मैप पे भरोसा नहीं है भाई, कहीं अंदर अंदर से भेज देता है। तो चलो अभी तो लाया। हाँ अभी सही लाया मैं। ले वंश, एक मिनट पहले हेलमेट पहन। हाँ वंश भी हेलमेट पहन रहा है, चश्मा लगाएगा। और सच्ची में बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन हाँ देखते टाइम टाइम देखते पहले, तो डिपेंड ऑन टाइम भाई, क्योंकि हमें जल्दी से टाइम से पहुँचना भी है। तो भाई अपना शेरावाली माता का नाम लेते हैं और निकलते हैं, अपनी सेफ घर पहुँच जाए, उसके बाद भाई सारा अपना मीटअप वीटअप की प्लानिंग करनी है। और सच्ची मैंने इतना बड़ा कभी इवेंट, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट मुझे कभी ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ना भाई वो सोच रहा हूँ कि एक बार हो तो बहुत अच्छे से हो और फिर बहुत बढ़िया होगा यार। तो ये देखते हैं, अब सारी बैग वैग मैंने लगा दी है, सबको फ़ोन ऑन कर दिया है, अब डिपेंड ये करता है। अब सबसे पहले तो हमें पहुँचना है यहाँ से सीधा आगरा, आगरा के बाद देखी जाएगी, उसके बाद सीधा मैं भाई बाइक उठाते ही अपना लग जाऊंगा काम पे और देखूंगा कौन मेरा जो मीटअप है वो अरेंज करवा सकता है, मतलब अरे मतलब कौन वो परमिशन वर्मिशन दिलवा सकता है। तो ये अपना जूस वाला, अब जूस पीने का इतना मन है लेकिन हम सोच रहे कि भाई जल्दी से जल्दी घर पहुँचे और जो भी सारे अरेंजमेंट है वो करवाने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि यार सच में बहुत बड़ा टास्क है और मुझे कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। तो ये अभी हम एक्चुअली गए कि आगरा से 50 किलोमीटर दूर है, अभी पीछे बोर्ड लगा हुआ था, तो सबसे पहले तो आगरा पहुँचना है। और समय सच में हमें इतनी तेज़ भूख लग रही है, लिटरली कुछ खा के नहीं आया सुबह से, हमने कुछ भी नहीं खाया है। तो सबसे पहले ये है कि सब जल्दी से पहुँचे, उसके बाद सब देखे अपना कैसे अरेंजमेंट करवाना है, उसके बाद भी कुछ मन करेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर कहीं भी हम रुके कुछ भी खाने के लिए तो एटलीस्ट आधे घंटे कहीं नहीं गया, और वो आधे घंटे अगर मैं यहाँ कवर करूँगा तो मैं वो आगे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये है, वैसे तो मैंने अपने कॉल वॉल कर दिए, सबको बता दिया, अगर कोई होगा तो देखते हैं, मतलब सब इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ जाएगी, लेकिन ये है कि मैं जब फिज़िकली वहाँ पे होऊंगा ना, अवेलेबल होऊंगा, तो उस चीज़ को मैं अच्छे से अरेंज कर पाऊँगा, तो इसलिए ये है। पहले जल्दी से चलते हैं अपना और फिर मिलते हैं। गाइस फाइनली अपना टोल आ चुका है और सच्ची में मच्छरों ने तो हालत पूरी कर दी सच्ची में, और सर हम भाई हाँ हम टोल नहीं देंगे, सही बात है भाई। देखो बाइक का फायदा देखो, देखो ये देखो, यहाँ से आराम से अपना निकल जाओ धीरे धीरे चुपचाप चुपचाप, और हमें टोल देने की जरूरत ही नहीं है यहाँ से। हाँ जो टोल देना ना चला। सो भाई ये देखो अपना, अब यहाँ से देखते कितने किलोमीटर है वंश, कितने किलोमीटर और बचा है अच्छा पता नहीं भाई, तो देखते हैं जो भी होगा। अब तो भाई पहुंचना तो घर ही है, अब एकदम हाईवे पे, बट ये है कि और यार सच्ची में मतलब आपको ये लाइट से दिख रहा है लेकिन भाई सच्ची में बहुत अंधेरा है, मतलब गोप्रो बहुत नाइट इसका वीजन बहुत अच्छा है, मैं देख रहा हूँ, मतलब आपको इतना लग नहीं रहा होगा अंधेरा लेकिन सच्ची में अंधेरा सच्ची में बहुत है, गोप्रो का नाइट वीजन बहुत सही है मुझे तो ऐसा लग रहा है। और ये है, अब मैं सोच रहा हूँ कहीं रोकते हैं और कुछ भाई पेट पूजा करते हैं, सच्ची में बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो सहन नहीं हो पा रही। गाइज जस्ट अभी हम रुके एक पेट्रोल पंप के सामने और यहाँ पे हमने देखो हम हेलमेट चेंज कर रहे, देखो इसका ये वाइजर टूट चुका था और इतने मच्छर आए थे। अब जो वंश ने पहना था मैं सोच रहा हूँ ये वाला पहन लूँ तो इसका वाइजर सही है तो फिर गाड़ी सही से चला पाएगी, बिकॉज नहीं फिर तो घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। चश्मा था हमारे पास बट ये था कि चश्मे के ना अंधेरा हो गया था तो ये दिक्कत हो रही थी। इस समय टाइम हो रहा है 6:55 और 6:00 और इसमें अच्छा इसमें गलत टाइम चल रहा है भाई, बाइक आधे घंटे जल्दी चल रही है उसके हिसाब से हम बता रहे थे। और यहाँ से देखो अपना 44 और रहते हैं रिमेनिंग, जो कि है 20 और रह गया हमारा आगरा, जल्दी से चलते हैं और अपना पूरा सेटअप बिठाएंगे। मैंने जिनको फ़ोन किया 2-3 लोगों को फ़ोन आया, अब जाके मैं सोच रहा हूँ सीधा वहीं जाके बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि भाई हम बाबू भाई का मीटअप आगरा में अरेंज करवा पाते हैं या नहीं, तो भाई करवा पाएंगे तो सबसे बेस्ट चीज़ यही होने वाली है। तो जल्दी चलते हैं अब, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ओके
जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा हो, जब मैं आ रहा था तो यहाँ मैंने आपको एक मेला बताया था भाई, तब तो भीड़ नहीं थी, अब देखो कितनी गंदी भीड़ लगी है। और मेन चीज़ क्या है कि भाई यही हाईवे है और यही पूरा मेला लगा हुआ है, देखो पूरा जाम लगा हुआ है पूरी तरह। तो ये देखो भाई, जब जल्दी पहुँचना है तब हमें लेट हो रही है। और एक दिक्कत और है, इसका वाइजर पता है कि स्क्रैचेज है तो दिक्कत हो रही है, बट ये है कि चलो अब जैसे कैसे, अब जैसे वो घर तो पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये है भाई, जस्ट अभी हम रुके हैं यहाँ से, अभी अपना जो आगरा है वो 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, हम सोच रहे कुछ ना कुछ मिल जाए, तो अभी हम मोमोज खाने के लिए रुके हैं। मोमोज खाते हैं क्यों, हम पहले सोच रहे कि घर जाके कुछ ना कुछ खाएंगे, बट इतना कंट्रोल हमसे हो नहीं पाया। क्यों भाई लगा देना सोयाबीन और वेज। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं घर पे, और एक्चुअली क्या है कि हमने आते हुए दो चीज़ें अपने पता कर तू आए, एक तो कौन सा, एक होटल और एक कॉलेज। सो हमने दो जगह हमने पता करी है जहाँ हम बाबू भाई का मीटअप करा सकते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि अब मैं हर्ष भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, तो उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पे कंफर्टेबल हो सकते हैं और क्या क्या उनके लिए नीड लगेगा। हाँ हर्ष भाई, रिक्की भाटी बोल रहा था। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं जस्ट आया हूँ आगरा, और मैंने दो लोकेशन देखो आप मैंने करी है, एक तो अपना है होटल है एक, और एक है कॉलेज। तो यहाँ दो जगह हमें परमिशन मिल सकती है करने की। एक्चुअली क्या है कि हमने देखिए जो आस वो है चौकी है आसपास, उनसे परमिशन ले ली है, मतलब परमिशन मिल जाएगी, दो गाड़ी पुलिस की मिल जाएगी हमें। और बाउंसर आप बताइए हमें कितने लगाने चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है कि सब अपने हैंड से ही कर रहा हूँ। हाँ अनुराग भाई, रिक्की भाटिया। हाँ मैं ये कह रहा था भैया अनुराग भाई, मैंने दो जगह मतलब आज आके ही मतलब वो देखी, एक तो कॉलेज देखा है और एक है होटल है जो ऑन रोड है अपना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज का रख लेते हैं प्लान, कॉलेज में एकदम बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा मैंने ये कह रहा हूँ, मैंने अपने जो वहाँ की एरिया की पुलिस चौकी है वहाँ मैंने बात कर ली है, एक या दो गाड़ी तक हमें मिल जाएगी पुलिस फोर्स, है ना। हाँ बिल्कुल, अगर कंफर्म होगा मैं तभी एकदम बिल्कुल वो करूँगा, मैं एक बार मॉर्निंग में भी जाऊँगा, सुबह 6 बजे मैंने उनसे टाइम लिया है। अच्छा कल के लिए जी। अच्छा लोकेशन अभी अपडेट करनी पड़ेगी। और एक्चुअली क्या है कि मेन दिक्कत ये आ रही है, बाउंसर हमें 10 मिल रहे हैं भाई, 40 है, 10 बाउंसर में मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हर्ष भाई कह रहे थे कि 20 है एटलीस्ट लगेंगे हमारे, मतलब देखो अगर दो रेड पार्टी का बोल रहे हो मिल रही है तो फिर सब हो जाएगा भाई। अच्छा अच्छा अनुराग भाई मैं एक चीज और कह रहा था, जैसे कि ये सब मैं अपने हैंड से कर रहा हूँ पूरा, मतलब मैं किसी की कोई वो नहीं, अपनी सारी पूरी सोर्स लगा के अपने हैंड से मैंने सब तैयार कर दिया है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर कल पॉसिबल नहीं हो पाए तो परसों हो जाए, तो अगर है आपका भाई परसों मेरा लखनऊ पहुँचना है। अच्छा तो चलो अगर परसों हो रहे तो बताओगे, है ना। तो मैं अभी आपको कल मॉर्निंग में एकदम 100% पूरा वो बता दूंगा करके, है ना अनुराग भाई। ओके ओके ओके। सो हे गाइस, फाइनली आपने सुन लिया होगा कि भाई अभी हमारी अनुराग भाई से बात हुई थी जो कि हम मीटअप प्लान कर रहे हैं। सो भाई फाइनली अपना मीटअप प्लान करने की लोकेशन और जो वेन्यू बहुत जल्दी से अपडेट कर दिया जाएगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, इस व्लॉग और इस चैनल से जुड़े रहना, बहुत जल्दी से आपको अपडेट मिल जाएगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो कर लेना, उस पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। और साथ साथ अपने जो UK07 अपने बाबू भैया है वो भी अपडेट करेंगे। तो बहुत सही है, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आप व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई कल मुझे भाई सुबह जाना, मतलब 6 बजे निकलना है, ऐसे आपने सुन लिया होगा भाई, मेरी जो वहाँ की लोकल पुलिस है वहाँ पे उधर से उनसे मतलब मिलना है, फिर देखते हैं कैसे क्या है। तो आपको कल भी व्लॉग पूरा शूट मिलेगा, तो वो भी आप देखना हमने कैसे कैसे हम जाएंगे और परमिशन लेंगे और कैसे वेन्यू है, 3 से 4 वेन्यू है जो हमने पूरा मतलब रखे हुए अपने सामने, तो उनमें से देखते हैं कौन सा वेन्यू हमें कंफर्म करना है। सो वो आपको कल व्लॉग में मिल जाएगा। सो सही है, व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको अपडेट मिलती रहेगी, वहाँ मैं सारी अपडेट दूंगा। और जो भी मुझे रिप्लाई करता है, जो भी मुझे मतलब DM करता है, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, तो आपको वो भी बहुत मतलब जुड़े रहोगे, आपको पता चलती रहेगी। सही है, व्लॉग को यहीं खत्म करता है, फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो, तक के लिए बाय, गुड नाइट। फाइनली बाबू भाई के लिए भीड़ लग चुकी है भाई। वीडियो पे वीडियो।